आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। अमेरिका अपने इस्लामोफोबिक सोच का मुजाहरा पूरी दुनिया के सामने वक्त पर देता रहता है, लेकिन इस बार अमेरिका की हवाएं बदल रही है, वहां का रुख बदल रहा है। और इस बार अमेरिका से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका को पहला मुस्लिम जज मिल गया है, और वो जज कोई और नहीं बल्कि 48 साल की नुसरत जहां चौधरी है। और जहां तक मुसलमानों को लेकर अमेरिका अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाता रहा है, उसके बाद पहली बार इन हवाओं का बदलना अपने आप में ही बहुत बड़े मायने रखता है। कौन है मुस्लिम जज नुसरत जहां चौधरी, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका की सीनेट ने फेडरल जज के रूप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। वो अमेरिका की सिविल लिबर्टी यूनियन की पूर्व अटॉर्नी रही हैं। बताया गया है कि चौधरी इस आजीवन पत्र पर आसीन होने वाली पहली अमेरिकी भी हैं। 48 साल की चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्व जिला के कोर्ट जज के रूप में काम करेंगी। कहा जा रहा है कि संसद में 50 से 39 कड़े ऐसे डेमोक्रेटिक खिलाफ को वोट किया गया है, और उनका मानना यह है कि नुसरत जहां चौधरी की पिछले कुछ बयान पक्षपाती रहे हैं। इससे पहले भी दो अन्य के नाम पर उनका विरोध किया जा चुका है। बाइडन और तमाम फेडरल जज ने उनके नाम को अब शामिल किया है, हालांकि सीनेट ने सपोर्ट के बिना उन्हें नाम की पुष्टि की गई है। नुसरत जहां के करियर की अगर हम बात करें तो यहां पर ACUL के जस्टिस प्रोग्राम की डिप्टी डायरेक्टर भी वो रही हैं। रेशियल प्रोफेसिंग और गरीब लोगों के खिलाफ भेदभाव को लड़ने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका रहा है। ACLU में वेबसाइट के मुताबिक नुसरत ने अमेरिका की सरकार को नो फाइल सूची के प्रथाओं को खत्म करने से पहले फेडरल कोर्ट के फैसलों को सुरक्षित करने की मांग की। इसके अलावा चौधरी ने न्यूयॉर्क पुलिस के विभाग की ओर से सिविलांस के लिए मुसलमानों के भेदभाव करने वाली रूपरेखाओं को भी चुनौती देने का काम किया है। जज के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन चौधरी की कोशिशों के चलते कोर्ट को समझौता करने के साथ साथ उन्हें उनके सार्वजनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित भी किया गया है। नुसरत के पिता शिकागो से हैं और वो 40 साल से के तौर पर फिजिशियन के तौर पर काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आर्ट से ग्रेजुएशन कर उन्होंने प्रिंसटन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया, और 2006 के येल स्कूल में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। राष्ट्रपति बाइडेन ने नुसरत जहां को 19 जनवरी 2022 में न्यूयॉर्क के पूर्व जिला के लिए यूएस जिला कोर्ट के जज के रूप में नामांकित किया था। और अब जब अमेरिका की पूरी तरीके से तस्वीर बदल रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है कि एक मुस्लिम महिला को जज बनाया गया है, और ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को जज की उपाधि के लिए नामांकित किया गया है, और अब वो वहां पर उसका पूरा पदभार संभालेंगी। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।